सब्जेक्टिव शीट नंबर 37 में चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब ना वो टेस्ला मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा, वेक्टर में दे रहा है, तो बी वेक्टर है। आई कैप जे कैप में एक्सेलरेशन वेक्टर दे रहा है एक्स, बताओ। आप बस मुझे ये बताओ, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इट मूव्स इन अ सर्कल, और ये बताओ कि वेलोसिटी में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में और फोर्स में एंगल क्या होता है। 90 फ्लेमिंग से पूछ लो, वो देखो बी इधर है, बी इधर है, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। तो फोर्स में, फोर्स में और बी में एंगल हमेशा क्या बनता है, 90। तो फोर्स और बी 90 डिग्री पे है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन और बी भी 90 पे है। और अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो ये एक्सेलरेशन है, ये बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, एक्स आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन प्लस टू का कम और वेक्टर का ज़्यादा है, वो सामने ही तो है। तो ट्रिक समझ में आ रहा है कि कैसे वैल्यू निकलेगी, क्योंकि फोर्स और बी 90 डिग्री पे है, एक्सेलरेशन और बी 90 पे है, और तुम्हें एक्सेलरेशन और बी वेक्टर दोनों गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है थोड़ी देर, थोड़ा सा, ये तभी मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है कुछ ऐसे स्पेशल। तो क्या क्वेश्चन है, व्हेन प्रोटॉन हैज अ वेलोसिटी ऑफ, वी वेक्टर गिवन है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, एफ वेक्टर गिवन है, तो वी भी वेक्टर में, एफ भी वेक्टर में, क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बी बताना है वेक्टर फॉर्म में। अब प्रॉब्लम ये है, अगर तुम डायरेक्ट इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, सबसे पहली चीज तुम यही अप्लाई करोगे, तो तुम्हें एफ वेक्टर पता है क्योंकि ये प्रोटॉन है, तुम्हें चार्ज भी पता है, तुम्हें वी वेक्टर भी पता है, पर तुम्हें बी वेक्टर निकालना है। तुम्हारे पास वेक्टर में कोई ऐसा तरीका नहीं कि अगर तुम यहाँ बी वेक्टर पुट कर दो बिना आई कैप जे कैप के, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे बिना आई कैप जे कैप के। तो अगर मान लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी नॉट है, तो तुम्हें डायरेक्शन तो चाहिए होगी कि आई कैप है, माइनस जे कैप है, माइनस के कैप है, क्या है। तो ये चीज़ मिसिंग है आपके इसमें, तो ये चीज़ कैसे लगानी है ये सीखते हैं। यहां तक तो क्लियर है? तो आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो बी नॉट है, डायरेक्शन देखो कैसे, ये डायरेक्शन बताने के लिए उसने एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, जो फोर्स वेक्टर होता है वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होता है, मतलब फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी एंड बी है, कहने का मतलब अगर ये आई है, ये जे है, तो ये के है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वेलोसिटी अगर जेड एक्सिस में है, के कैप है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स कहां पर है, आई कैप है, तो बताओ यहां पर क्या कैप हो ताकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप दे। अब तुम्हें पता है के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, पर तुम्हें तो आई चाहिए, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ा, माइनस जे। तो तुम्हें यह पता लग गया कि बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो माइनस जे है। तो समझ में आ रहा है ये लाइन कैसे हेल्प कर रही है आपको? तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, तो इसके लिए क्या लगाएं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, तो यहाँ पर माइनस जे लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट है और पीछे क्या लगेगा, माइनस जे। अब सही है, अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, क्रॉस प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, जे जे तो जीरो हो जाएगा। तो आप जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, -1.28 10 रेज टू पावर -3 के कैप इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसे, i को j के साथ, तो क्या आएगा, k कैप आएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 आएगा, b नॉट आएगा, और i को j से करेंगे तो k कैप, माइनस भी लगा होगा, माइनस k कैप, और j को j से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है।
तो तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के वैसे उड़ जाएगा, बचेगा क्या, बी नॉट निकाल लेना आंसर, कंपेयर करके बी नॉट की वैल्यू आएगी, ऐसे बी नॉट आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? तो ये जो शीट है आपके पास सब्जेक्टिव, उसके नेक्स्ट 39 के बाद ये सॉल्ड शीट मैंने डाल रखी है, इसमें इसका प्रिंटआउट आपके पास है, इतना लिखना मुश्किल है आपके लिए, आप चेक करो आपकी सब्जेक्टिव शीट्स के अंदर ही इसका प्रिंटआउट लगा हुआ है एक, हाँ यही है, ठीक है यहाँ तक? क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो वो बहुत मुश्किल, मतलब आप पूरा लेक्चर लग जाएगा इसमें, और आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कमी है, कम मतलब कि मुझे पता नहीं है, बट ये है कि अननेसेसरी कैलकुलेशंस है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, फोर्स निकाल दो, ये तो बिल्कुल सीधा है। क्यू इंटू वी क्रॉस वी, चार्ज गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट, बी वेक्टर गिवन है, I को I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, J को J के साथ, K को K के साथ, लंबा क्वेश्चन था मैंने इसलिए लिख दिया, आंसर लिख लेना, निकाल लेना, वेक्टर प्लस वन के लगा लेना, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई NCERT में सब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई नहीं लिखवा के देख रहा तुमसे, बाई चांस ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इसलिए करवा रहा हूँ, कम से कम पता होगी करना क्या है, ठीक। वैसे ये प्लस टू कम और प्लस वन ज़्यादा चल रही है वेक्टर्स, तो ये क्वेश्चन देख लो जरा, ये क्वेश्चन नॉट फॉर NCERT नहीं आएगा, स्कूल में कभी नहीं आएगा, मुझे पता नहीं ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये भी पता नहीं है, बट आपके किसी बुक में था तो मुझे लगा ये कोई स्टूडेंट अगर करेगा तो ये डाउट पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, मैंने आता नहीं देखा, बट मैं कह नहीं सकता क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल जिसका स्पेसिफिक चार्ज एल्फा है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो एल्फा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर है, तो वो एंटर करता है, दिख भी रहा है एंटर करता है, तो ऑब्वियसली वो सर्कल में मूव करेगा, और ये सर्कल में मूव कर रहा था, और डायग्राम से ही पता लग रहा है कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और वो वी वेक्टर के साथ बाहर निकल गया, ऐसा डायग्राम है ये, तो इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ये बाहर निकल गया मेकिंग एंगल ऑफ थीटा। क्वेश्चन है आपको इसमें टाइम डिपेंडेंस वेलोसिटी, टाइम डिपेंडेंस वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू, क्या होगी जो टाइम पे डिपेंडेंट है, और साथ में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जो टाइम डिपेंडेंट है, हर टाइम पे एक्स और वाई चेंज हो रहा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे चेंज होगी ये भी बताना है। कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने किया हुआ है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए तो पार्टिकल वी नॉट के साथ टेंजेंशियल चला जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये देखो वी नॉट के साथ एंटर कर रहा है, वी नॉट से बाहर निकल रहा है, तो मैग्नीट्यूड वी नॉट को तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी चेंज करेगी नहीं, और ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से राइट जा रहा है, तो ये ओरिजिन है, तो एक्स है, ये वाई है, और ये आर हो जाएगा, अगर मान लो यहां पर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो ये एक्स और ये वाई हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये डायग्राम है। अब सबसे पहले इस केस में मुझे रेडियस निकालना है या टाइम निकालना है, चलो रेडियस निकालते हैं, रेडियस क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू, एम नीचे चला गया क्यू बाई एम, क्यू बाई एम क्या है एल्फा, रेडियस की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, देखो वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, वी नॉट कॉस थीटा और वी नॉट साइन थीटा, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप और वी नॉट साइन थीटा जे कैप, सही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आप करते हैं मैथ्स में, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें
एक चीज़ देखने वाली है कि जब ये घूम रहा होगा मीन सर्कल में, सर्कल पे एंगल होगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद करें प्लस वन का, थीटा स्टैंडर्ड क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा एंगल हमेशा क्या लिया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, आपको फॉर्मूला करवाया मैंने, बी क्यू बाई एम, तो बी नॉट क्यू बाई एम, और क्यू बाई एम क्या है? एल्फा। तो ये ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो ओमेगा टी से थीटा आ गया, थीटा आ गया इस थीटा को यहां पुट कर देते हैं, ये आ गया, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट ही आंसर है, ये ऑप्शन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होगी। तो बेसिकली क्या किया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, इसमें निकाला गया थीटा, थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। ओमेगा का फॉर्मूला लगाया, थीटा निकाला, थीटा के फॉर्मूले से आंसर आया। तो ये ऐसा कुछ टाइम डिपेंडेंट आंसर है। ऐसे ही आप आर वेक्टर निकालना चाहते हैं पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगी? एक्स आई कैप और वाई जे कैप, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं साइन थीटा एक्स बाई आर, तो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वाई इतना है, ये टोटल डिस्टेंस आर है और ये आर कॉस थीटा है, तो ये क्या बनेगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो देखो लिखा हुआ है आर साइन थीटा, वाई की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा, और रेडियस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एम वी बाई बी क्यू, और क्यू बाई एम की जगह एल्फा, इस रेडियस को यहाँ पुट करके आंसर कैन बी मार्क्ड। नहीं आता बट आपको तरीका बता दिया, अगर फंस गए तो कैसे ज्योमेट्री से इन आंसर्स को निकालना है, एटलीस्ट ये पता तो होना ही चाहिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा बट ये चीज़ नहीं पता लगी आपको कि एल्फा क्या चीज़ है, ओमेगा कैसे निकलता है, एंगल कैसे निकलता है, फिर वेलोसिटी के कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, पोजीशन के कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, और कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक, रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुश्किल लगता है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है शॉर्टकट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। वो क्या, एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में एल्फा एंगल के साथ और वी नॉट वेलोसिटी के साथ, तो ये सर्कल बनाने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट करवाया था पिछली बार कि ये बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड से मेकिंग सेम एंगल अल्फा, किया था ना, अल्फा से एंट्री है तो अल्फा से ही एग्जिट होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है अगर ये अल्फा तो ये बीटा, अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो पहला आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन यही है, अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लो, तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा इक्वल टू बीटा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट है टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से यहां तक ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा ए बी सी, यहां से यहां तक, तो ए से लेके बी से लेके सी तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, कितना समय स्पेंड किया ये बताओ। तो टाइम होगा क्या, टाइम होगा आर्क ए बी सी को वेलोसिटी वी नॉट से डिवाइड, क्योंकि वी तो चेंज ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, स्पीड तो सेम ही रहती है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मुझे क्या निकालना है, आर्क निकालना है। अब ये ज्योमेट्री हमने लास्ट टाइम बनाई थी, इस ज्योमेट्री में अल्फा 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 एंगल सेम होते हैं, तो इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो टोटल सर्कल के सेंटर में एंगल क्या है, टू अल्फा, आर्क बाय रेडियस, तो आर्क क्या आएगा, टू अल्फा इन टू आर, और आर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एम वी बाय बी क्यू, आर्क आ गया, आर्क को वी नॉट से डिवाइड करके टाइम की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि समय कैसे निकलेगा, तो टाइम निकलेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस आर्क कैसे निकलेगी, एंगल इज आर्क बाय रेडियस से निकलेगी। ठीक है यहाँ तक, इसलिए इसका प्रिंट आउट दिया, ये कौन बनाएगा बार बार। ठीक है, और आपको ऐसे निकालना है अगले पार्ट में, फाइंड डिस्टेंस ए सी, ए सी, अब ए सी क्या होगा, टू टाइम्स ए डी, ए डी क्या होगा, साइन एल्फा इज इक्वल टू ए डी बाय आर, तो ए डी इज इक्वल टू आर साइन एल्फा का ट्वाइस, और आर की वैल्यू क्या है, एम वी बाई बी क्यू आंसर। तो मतलब इस टाइप की ज्योमेट्री से आप इन डिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगना है इसमें, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको एक बार, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे। ये सब एम्पियर सर्कुलर लॉ के क्वेश्चन है ये वाले, इसकी जरूरत नहीं है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का है, इस क्वेश्चन को पूरी असाइनमेंट ही वेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो असाइनमेंट का कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ही अलग है। तो क्वेश्चन है, आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है के कैप में, फोर्स वेक्टर गिवन है, आपको पता है चार्ज भी गिवन है, आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है,
एक बड़ी कॉमन मिस्टेक सुन लो, तुम फॉर्मूला तो लगा लोगे इसका, ये वाला तुम फोर्स की जगह वेक्टर भी पुट कर लोगे, चार्ज भी पुट कर लोगे, बी भी पुट कर लोगे, जब वी की वैल्यू आएगी, वी वेक्टर निकालना है, तुम यहां पर वी वेक्टर पुट करोगे, फिर तुम कहोगे सर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, होएगा ही नहीं, क्योंकि बाकी सब आई कैप जे कैप में है, ये भी आई कैप जे कैप में, अकेला वी वेक्टर कैसे घूम सकता है यहां पे, तो तुम्हें आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें मानना पड़ेगा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है वी एक्स आई कैप वी आई जे कैप, ताकि तुम आई कैप जे कैप में अपना क्वेश्चन लिख सको, अकेला वी वेक्टर से आंसर नहीं आएगा, तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, क्रॉस प्रोडक्ट लेके ये आंसर आएगा, फिर इसके आई के कोफिशियंट को इसके आई के कोफिशियंट से कंपेयर करके वी वाई आएगा, और जे के कोफिशियंट से जे के कोफिशियंट से कंपेयर करके वी एक्स आएगा, ऐसे आएगा वी एक्स वी वाई, और फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप की फॉर्म में ही आंसर पता लगेगा, वी वेक्टर लिख के बैठ जाओगे कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, यही तो ट्रिक है इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि वी वेक्टर के पीछे कैप क्या लिखोगे पता ही नहीं, बाकी चीजें कैप में है तो वी वेक्टर के पीछे कैप ही नहीं आएगा, फंस जाओगे, तो ऐसे आएगा। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ऐसा आता है, ऐसा आता है, इलेक्ट्रॉन बी में टीवी पिक्चर में पोटेंशियल वी पता है, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस वी पता है, तो वी की वैल्यू कितनी है 2×10³ वोल्ट, इट पासिस थ्रू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कल में मूव करेगा जिसका रेडियस गिवन है, कह रहे बी क्या होगा ये बताओ, तो रेडियस का फॉर्मूला पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2mq×v डिवाइडेड बाय bq, ऐसी था, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इसमें बी निकालना है, तो बी निकालना है, चार्ज पता है, चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, मास पता है और रेडियस पता है आंसर, ये लंबा तरीका है, ये छोटा तरीका लिख लो, कि जिन क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन होगा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम पोटेंशियल की फॉर्म में रेडियस को निकालना जानते हो, आंसर।